हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जो आज का जो ब्लॉग है ना दोस्तों, वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के ऊपर होने वाला है, जो कि हो रहा है हमारे इंदौर में होलकर स्टेडियम के अंदर। तो हम जाने वाले हैं देखने के लिए, और क्या वहां का माहौल होता है, क्या नजारा होता है, सब कुछ देखेंगे। तो चलते हैं फटाफट से देखने के लिए कि क्या नजारा है वहां का। और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, बड़ा ही खास होगा, क्योंकि पूरा स्टेडियम हम घूमेंगे ऊपर से नीचे तक और सभी जगह जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा दिखाई देता है, कहाँ की टिकट लेना चाहिए वगैरह, सारी चीजें वहां से दिखाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से। स्टेडियम पहुंचने वाले हैं और बहुत सारी भीड़ जो है सामने से गुजर रही है, और हम भी जा रहे हैं मैच देखने के लिए आज। तो फटाफट से चलते हैं, एंट्री लेते हैं अंदर और देखते हैं मैच का नज़ारा कि क्या माहौल होता है। और मेरी आवाज़ में आपको सुनाई दे रहा होगा कितना उत्साह है, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना खुश हूँ कि देखूंगा अंदर से जाके और चिल्ला चोट करेंगे। इससे पहले भी एक बार मैं गया था, पर उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, अभी बहुत क्रेज़ है। तो फटाफट से चलते हैं, एंट्री लेते हैं, दिखाते हैं आपको शुरू से लेके अंत तक का कैसा सफ़र रहता है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। देख सकते हैं पीछे माहौल फुल तैनात एकदम हो रहा है। ये वाला एक गेट है जहाँ से मेंबर्स को ओनली एंट्री दी जाती है, और भी सारे बहुत सारे लोग हमारे साथ एंट्री के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी पहुँच चुके हैं हम स्टेडियम के बहुत करीब है, जस्ट स्टेडियम के पीछे हैं हमारा जो गेट है, जो नरेंद्र हिरवानी गेट है वो आगे ही है। तो वहाँ पर जा रहे हैं, सकते हैं स्टेडियम में जाने के लिए ऐसी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और ऐसी लंबी कतार को पार करके और स्टेडियम में जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ तक। तो फटाफट से हम भी चलते हैं और लगते हैं हमारी लाइन में। देख सकते हैं फुल माहौल बन चुका है यहाँ पर स्टेडियम के बाहर में, और सभी लोग यहाँ पर पधार चुके हैं, और ये भीड़ देख सकते हैं आप मेरे पीछे। तो हम लोग भी फटाफट से चलते हैं, एंट्री लेते हैं। तो यहाँ से जो है टिकट का बारकोड स्कैन होके और यहाँ से एंट्री दी जा रही है। ये स्कैनर लगा हुआ है यहाँ पर, तो बारकोड स्कैन करके और एंट्री दे रहे हैं। हम लोग स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, जो मतलब अभी अंदर जाके पूरा हो और मतलब चिल्ला जोट करने वाले, आतंक मचाने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट से स्टेडियम के अंदर, एंट्री लेते हैं। ऑलमोस्ट स्टेडियम के पास में ही आ चुके हैं, ये पीछे स्टेडियम की दीवार है और बस अब अंदर लेना है एंट्री, बस आ गया है। ठीक है, अभी हम लोग स्टेडियम में आकर बैठ चुके हैं। ये हमारी स्टेडियम पे बैठे हुए हैं, हम लोग हमारी सीट पर बैठे हुए हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। लोग बहुत मतलब फुल क्राउड है, और अभी बहुत सी सीटें खाली पड़ी हुई है, वो लोग भी बहुत जल्दी आ जाएंगे और उसके बाद पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। तो आप भी देखिए हमारे साथ, जो पीछे पूरा दिखाई दे रहा है स्टेडियम। देख सकते हैं जो है, ये है स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ है पूरा, और जो थोड़े लोग हैं वो अंदर एंट्री कर कर आ रहे हैं। और आपको दिखाने के लिए हम सबसे टॉप पर आए हैं, बिल्कुल पवेलियन में बैठे हैं, ठीक है, स्पेशल जगह। और ये खंभा, ओ माय गॉड, ये खंभा बीच में आ रहा है, बताओ हद हो गई है यार। तो देख सकते हैं आप, सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जल्दी मैच स्टार्ट होने वाला है। जो है हम मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर स्टेडियम में आए हैं और पूरे आनंद से मैच का लुत्फ उठाएंगे। और आप देख सकते हैं पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है मेरा नाम, क्योंकि मेरा नाम है रोहित। और मतलब Yeah!
बाद फर्स्ट वाले पे देखा और अभी सबसे नीचे पे आ गया। और जितना अच्छा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से दिखाई देता है उतना यहाँ से नहीं दिखाई देता है। वाली साइड में गया था देखने के लिए पर वहां पर सिर्फ पास से दिखाई देता है, इसलिए नीचे से वापस ऊपर आना पड़ा और अभी वापस फर्स्ट पे आ चुका हूं मैं। और वैसे तो मैं तीनों जगह घूम लिया पर सबसे जो सही मुझे दिखा वो फर्स्ट फ्लोर से दिखा। तो इसीलिए आपको भी कभी नेक्स्ट टाइम टिकट लेना हो तो फर्स्ट फ्लोर से टिकट लो, सबसे प्यारी लोकेशन होती है, ना ज़्यादा ऊपर होता है ना ज़्यादा नीचे होता है, सबसे प्यारा मैच दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो मज़ा आ रहा है, खूब इंजॉय हो रहा है, इंडिया के विकेट तो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं और बाकी ठीक है। तो ये मैच ख़त्म हो चुका है और साउथ अफ्रीका जो है जीत चुकी है ये मैच। जो मैच है वो ख़त्म हो चुका है और अब सभी लोग जाने लग गए हैं और आप देख सकते हैं जो नीचे से पूरी भीड़ है, जो क्राउड है, सारे लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं बस यहाँ स्टेडियम से। तो चलते हैं फटाफट से। तो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ सभी लोग 56 पर पहुंच गए और यहां पर खाया पिया और इंजॉय किया और उसके बाद ही सभी लोग घर गए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैं तीनों जगह से सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद नीचे लोअर में भी जाकर बैठा और सबसे प्यारा जो नज़ारा था ना दोस्तों वो फर्स्ट फ्लोर का था जहां से पूरा स्टेडियम अच्छे से दिखाई देता है, सारी चीजें दिखाई देती है। और सेकंड फ्लोर में ऐसा है कि थोड़ा दूर हो जाता है, वहां से थोड़ा समझ नहीं आता है खिलाड़ी कौन सा है वगैरह, बाकी फर्स्ट फ्लोर से अच्छा दिखाई देता है। और नीचे ग्राउंड पे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे भी बैठते हैं नीचे जाते हैं तो वहां से भी बिल्कुल क्लोज हो जाता है, तो एक दो खिलाड़ी ही पास में दिखते हैं, बाकी सारे बिल्कुल दिखाई नहीं देते और कॉर्नर तक तो दिखाई भी नहीं देता है ज्यादा अच्छा। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो आप भी फर्स्ट फ्लोर की टिकट खरीदें, सबसे प्यारा नजारा वहीं से होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय श्री महाकाल।